सकरा विधानसभा क्षेत्र से लोजपा के प्रत्याशी ने आज नामांकन का पर्चा दाखिल किया। उन्होंने इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत की और अपनी भावनाओं को व्यक्त किया। कहा कि अनुमंडल बनाने का लक्ष्य उनकी प्राथमिकताओं में शामिल है। पार्टी के प्रत्याशी के रूप में मैं अपना नामांकन दिया हूँ सकरा विधानसभा क्षेत्र से, और क्षेत्र के उन तमाम समस्याओं को लेकर के हम हमेशा आवाज़ उठाते रहे हैं। अगर जनता का आशीर्वाद मिला तो निश्चित रूप से सकरा के तकदीर को बदलने का काम करेंगे, क्षेत्र का समुचित विकास करने का काम करेंगे। वर्तमान विधायक की कार्यशैली को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक वर्तमान विधायक की बात है, जब से आज़ादी के बाद से सकरा हमेशा उपेक्षित रहा है। कारण यह रहा है कि यहाँ जितने भी लोग विधायक बने, किसी न किसी दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम पर, पार्टी के सुप्रीमो के नाम पर चुनाव जीतने का काम किए, और उनका कोई एजेंडा ऐसा नहीं रहा जो विकास से जुड़ा हुआ। वजह यही था कि कुछ चंद लोगों के बीच ही उन लोगों का समय जो है 5 साल का अवधि समाप्त हो गया। उनको पते नहीं चला कि हम 5 आदमी के बीच रहे, और 5 आदमी जो अनुभवी लोग थे तो उनको बताया ही नहीं कि सकरा में चीज़ों का जरूरत है। हमारे यहाँ विभिन्न तरह की समस्या है, स्वास्थ्य का समस्या है, बिजली का समस्या है, नल जल योजना जो है वह सुचारू रूप से अभी तक जो है लग नहीं पाया है। ऐसी बहुत सी सारी समस्याएँ हैं जिसके वजह से जनता इसलिए उनके साथ जो है जनता से कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है।